आए थे, भीषण में उन्होंने पूछा यहाँ कितने बच्चे रहते हैं, उनकी क्या व्यवस्था है। उन्होंने इसका जायजा लिया और पूरा एक एक बच्चों से बात भी की, जो बच्चों ने पूछने प्रश्न किए उन्होंने उत्तर भी दिए और उनको समझा भी दिया। तो जो अनऑथराइज जो मतलब अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं उनको उन्होंने बुला के सी जी एम साहब को और उनको थाने के टी आई को बुला के निर्देश दे दिए कि इनको आप कहीं और शिफ्ट करें रेन बसेरा में। और जो लोग यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं, बाहर से आए हुए प्राइवेट पढ़ते पढ़ते हैं, वो भी यहाँ अंदर स्कूल इसमें आश्रम में खतरा में अभी निवास रहते हैं। तो जब ये मालूम नहीं स्टाफ ने बताया नहीं तो हम लोगों को मालूम पड़ा, तो मैंने उनको आज जो है डीजे साहब के विदाउट एडमिशन अभी पाँच पकड़े मैंने, अभी तो चले गए देख दाके चला जाते हैं स्टाफ भी कोई यहाँ पर। अभी अभी 13 जो कॉलेज के हैं उनको बाहर करना है रेन बसेरा में शिफ्ट करने के लिए बोला, तो वो हम आदेश निकालेंगे जाके वहाँ से जिला प्रशासन की ओर से। और जो 5-6-8 बच्चे और पेरेंट्स रह रहे हैं, मैंने अभी एक को तो बाहर किया है अभी और देख रहा था, तो इस हिसाब जितने भी होंगे इलीगल उनको हम लोग यहाँ पर। टोटल कितने वैध बच्चे हैं? वैध बच्चे इसमें अभी जो है अपने 62 हैं। हम यहाँ पर प्रभारी प्रशासक हैं, प्रशासक कबीरपंथी साहब हैं, जी डी समझ में हम उनके असिस्टेंट हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं।